सभी किसानों के राम राम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंखी डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। और जो भी किसान मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देख सकते हैं आज हम आए हैं एक डेयरी फार्म पर जो कि काफ़ी चर्चित और काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है। इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे ताकि आप लोगों को भी अनुभव हो कि अच्छे डेयरी फार्म जो है वो कैसे चलते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकें। तो आइए लेकर चलता हूँ और जो डेयरी फार्म है उनके जो ऑनर है उनसे बात करवाऊँगा आपको। तो लेकर चलता हूँ और आप सभी किसान भाइयों को जानकारी देते हैं कि अच्छे डेयरी फार्म जो है वो कैसे चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? ज़रा आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम विवेक शाह है, मैं पिछले 13 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ अलग अलग जगहों पर। ये फार्म मेरा और सौरभ का पार्टनरशिप में है, तो ये पिछले 7 साल से हम इस फार्म को चला रहे हैं। 7 साल हो गए हैं जी। अच्छा, तो सर स्टार्टिंग कैसे की थी आपने? मतलब ये जितने इतने सारे पशु दिख रहे हैं ये स्टार्टिंग से हैं या आपने कुछ एक दो पशु से स्टार्ट किया? ये पशु स्टार्ट हुए थे, हम लोग 30 बछड़ियाँ ले आए थे छोटी 6 महीने की, और फिर उनको यहीं पे पाल पोस के बड़ा किया, फिर उन्हीं को सेक्सी मैन देकर हम लोगों ने आगे पूरा हर्ड बढ़ाया। अच्छा, तो सर हम ये आपसे ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं बनाना चाहेंगे, लेकिन छोटे वीडियो के अंदर ज़्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी चाहेंगे आपसे। और कोशिश ये करिए सर कि हमारे जो किसान भाई आज की तारीख में जो डेयरी फार्म कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि डेयरी फार्म किस हिसाब से करें कि वो सक्सेस हो? क्योंकि अभी जो डेयरी फार्म हो रहे हैं, जैसे महीने में 10 डेयरी फार्म खुल रहे हैं तो 8 बंद हो जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न है और क्या बोलना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? रीज़न है कि हम डेटा नहीं मैनेज करना चाहते, हम अच्छी गाय खरीदना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ गाय का ऑर्डर देख के खरीदते हैं, अलग अलग परचेज अलग अलग जगहों से हो रही है, ना ही कोई ब्लड टेस्ट करते हैं खरीदने से पहले, ना मेटल टेस्ट करते हैं, इसलिए बाद में पछताते हैं। तो सर एक अच्छी गाय की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? मैं लेना चाहूँगा वर्जिन या तो प्रेग्नेंट हेफर जिसने अब तक एवी बार बच्चा ना दिया हो, और मेरी खरीदी नॉर्मली होती है 5 महीना 6 महीना प्रेग्नेंट, मैं तैयार हाजिर में तुरंत इधर ला के दूध निकालना नहीं चाहता। मैं 5-6 महीने प्रेग्नेंट लेकर आता हूँ, इधर 3 महीना उन्हें रख के मेरे साथ सेट करता हूँ, मेरे खाने के साथ सेट करता हूँ, पूरे मेरे रूटीन में बैठनी चाहिए, तब जाके मैं उसे रखता हूँ। तो सर खरीदी होती है। दूसरा हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। अच्छा। तो ब्रुसेला टीबी FMD 3 चीज़ों की डायग्नोस्टिक किट इजीली अवेलेबल है, कान से खून लेना है, डाल देना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है पकड़ लो और फिर मेटल चेक कर लो, इतनी बेसिक चीज़ है, ये चेक करके गाय खरीदनी चाहिए। तो सर एक जो किसान रहता है, जो छोटे स्तर के किसान रहते हैं, वो एकदम से इन चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता, तो उनको क्या आप मतलब बोलना चाहेंगे कि किस हिसाब से क्या एक फॉर्मूला रखें जिससे कि वो स्टार्ट करते टाइम ध्यान रखें जो चीज़ें? क्योंकि वो व्यक्ति तो इतने मतलब हीपर ला के उसको तैयार करके इतने वो तो नहीं कर पाएंगे। प्रेग्नेंट गाय ले आइए, 6 महीना प्रेग्नेंट गाय ले सकते हैं। तो किस टाइप का पशु वो लाएं जिससे कि वो डेयरी में सक्सेस हो? तो बड़ा लंबा चैप्टर है, मतलब पशु फिर भी एक शॉर्टली अगर अपन देखा जाए तो देखो ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले तो ब्रीड की प्योरिटी होनी चाहिए। ब्रीड की प्योरिटी उसकी शक्ल से पता चलती है, बॉडी के फ्रेम से स्ट्रक्चर से पता चलती है, तो पूरा फ्रेम और पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहिए। कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ है तो उसे उसी वक्त छोड़ दो, वहीं जाके चेक करो। फेस है तो कॉफिन टाइप फेस होना चाहिए, HF का प्योर। अगर उसके बाद देखे तो गले के नीचे ज्यादा ड्यूलैप नहीं होना चाहिए, छाती का पोर्शन अच्छा, गलगम्बल कहते हैं, छाती का पोर्शन अच्छा बड़ा होना चाहिए, फिर लेग्स के बीच में आगे और पीछे के पैरों के बीच में अंतर बढ़िया होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा गलती देखता हूँ, पीछे के मुड़े हुए हैं, पीछे से टच हो रहे हैं, वैसी गाय आइडियली नहीं पसंद करनी चाहिए। पीछे के पैर में इतना डिस्टेंस है कि अर्डर वो अच्छे से बढ़िया से खोल पाए। तो लगभग सर एक अच्छा पशु अगर अपन लेने जाए कहीं अच्छी अच्छे फार्म पे से या कहीं से, तो कितने तक का एक बजट रहना चाहिए? नॉर्मली अगर फर्स्ट लैक्टेशन के पर मैं खरीदता हूँ तो 90,000 से लेकर 120-130 के अंदर अच्छी सी गाय मिल जाती है, जो फर्स्ट लैक्टेशन में 25-30 लीटर आराम से दे देती है। और सर जो हमारे किसान भाई फेल हो रहे हैं वो किस कारण से फेल होते हैं आपके? सबसे ज्यादा तो एकदम ताजी लगाए लानी है सबको, इधर लाऊं तुरंत कैश मशीन चालू हो जाए, मतलब ATM में कार्ड डाला पैसे आ जाए, वैसी स्थिति है कि फटाफट लाए गए। हाँ। उसमें बच्चा दिया और मेरे यहाँ दूध आ गया, बस ये सबसे बड़ी गड़बड़ी, इसीलिए मोर्टेलिटी बढ़ती है, बीमार होती है, फिर पीक पे नहीं चढ़ती है। 2-2.5 महीने तो कम से कम गाय को आपके यहाँ चाहिए ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि जैसे आप भी नई जगह जाते हो, बेटी शादी करके नई जगह गई है तो उसे भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसे भी लगता है, ये तो कमा के देने वाली है बहुत सारा, तो इसे 2-2.5 महीने तो कम से कम दो आपके फार्म के साथ में, तो ये आपको समझ पाए, आपकी सिस्टम को समझ पाए, खाना सेट हो पाए उसका। अच्छा सर ये जो आप अभी जो फीडिंग डाल रखी है ये किसी डॉक्टर से न्यूट्रिशन वैल्यू सेट करवा के डाल रहे हैं या आपकी खुद की है? नहीं, हम लोग खुद अपने हिसाब से अपना राशन सेट कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, जैसे MTS हो गया, CNCPS हो गया, ये सारे इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज वर्ल्ड के बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग राशन बैलेंस करके अपनी गाय को अपने हिसाब से डाल रहे हैं। अब जैसे किसान भाइयों को तो इतना भी नॉलेज रहता नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस टाइप के फीड वो यूज करें? या फ्री के टूल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे रूमेनेट आता है ऑस्ट्रेलियन डेयरी का। हाँ। वो फ्री अवेलेबल है, आप ऑनलाइन उसको अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देना, ईमेल चला जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, आप अपने आप ही यूज़ कर ले, आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है करने की।
अच्छा सर, मैं आपके पशु देख रहा हूँ, ये बहुत काफी शानदार क्वालिटी के पशु हैं। इनमें जो हाईएस्ट मिल्किंग के हैं वो क्या कितनी है आपके? मेरे पास जो अभी हाईएस्ट मिल्किंग के गाय गई है सेकंड लैक्टेशन में, वो है 61.2। देख सकते हैं सर वो कौन सी गाय है? 527। ये फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर वाली, थर्ड नंबर पे। तो देख सकते हैं किसान भाई, ये जो इसका मिल्क का जो पीक रिकॉर्ड रहा है, पीक पॉइंट पे इसने 61 केजी के आसपास दूध जो है पर डे का, पर डे ना थ्री टाइम मिल्किंग होती है, थ्री टाइम मिल्किंग में पर डे का 61 लीटर के आसपास दूध जो है इन्होंने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर डेयरी फार्म जो है वो पीछे हैं। देख सकते हैं आप, ये डेयरी फार्म काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ, काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बना। जब ही डेयरी फार्म सक्सेस होगा, जब अच्छे पशु एनिमल्स आएंगे, और ऐसा नहीं है कि 60 लीटर 50 लीटर, बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि इतने लीटर के जो पशु रहते हैं वो होते ही नहीं। ये आपके स्क्रीन के सामने जो गाय देख रहे हैं ये 61, सर ये खरीदी भी है आपके घर की? अपने फार्म की हीफर है, ब्लू टैग मतलब मेरे फार्म की हीफर है, येलो टैग मतलब खरीदा हुआ माल है। अच्छा, तो ये जो हीफर है आपके, मतलब इसकी मदर आपके पास में खरीदी हुई थी या वो भी घर की खरीदी हुई थी? खरीदी हुई थी। वो कितने की थी सर? उसने फर्स्ट लैक्टेशन में इतना दूध नहीं दिया था, फर्स्ट के पूरे बिहार में कभी इतना दूध नहीं दिया था वो। ज्यादा कितने की ली थी सर आपने? वो खरीदी थी मैंने तकरीबन 1.25 लाख की, 1.25 लाख रुपए की। तो देख सकते हैं किसान भाई, जो सर ने बताया कि वो इतने लीटर की नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो ब्रीड लेकर आए थे वो लगभग 1 लाख के ऊपर की खरीदी हुई थी, जब जाके उसको अच्छा सीमन। सर ये कौन से सीमन की है? ये है, ये वर्ल्ड वाइड शायर हनीबी की डॉटर है। अच्छा, तो देख सकते हैं ये घर की होम ब्रीडिंग तैयार करी है, जो इसकी मदर से भी ज्यादा इसने दूध। ये सेकंड लैक्टेशन ना, फर्स्ट में, सेकंड में है अभी, अभी फर्स्ट लैक्टेशन में क्या रिकॉर्ड था इसका? फर्स्ट लैक्टेशन में 48 पे गई, 48 पे, यस। और 48 से जो सेकंड लैक्टेशन में डायरेक्ट 61 पे गई, काफी डिफरेंस आया, उसका क्या रीजन सर? फर्स्ट लैक्टेशन में मेरे पास कई ऐसे मटेरियल जो फर्स्ट लैक्टेशन में थी के 35-40 तक जाते हैं, पर सेकंड में 50-55 निकाल देते। अच्छा सर, मैं आपसे, मैच्योर बॉडी वेट बढ़ता है तब। छोटा सा एक सर क्वेश्चन पूछूंगा, जहां पर किसान फेल हो रहे हैं, जैसे कोई किसान अगर गाय खरीद के लाया 20 लीटर की, या उदाहरण के तौर पर अपन एग्जांपल लें 25 लीटर का पशु खरीद के लाया, वो फर्स्ट जो ब्याज जब लाता है वो जब 25 दे देता है, लेकिन जब नेक्स्ट ब्याज में उसके घर पे आता है तो 25 से वो 20 पे आ जाता है। ट्रांजिशन। अच्छा, अपने यहाँ कॉमन सोच है कि जब गाय दूध नहीं दे रही है तो उसे फीड भी कम दो। अच्छा, हम लोग अगर अभी देखे, मेरा प्रेग्नेंट जो एनिमल है उसको भी मैं तकरीबन दिन का 4-4.5 किलो फीड दे रहा, अभी पर डे का, पर डे का। अच्छा, अभी उसको इतना फीड दूंगा, अभी साइलेज दूंगा, ये सब दूंगा, तो अभी जाके आगे तैयार होने वाली है। अगर अभी उसमें मैं डिस्काउंट कर लूंगा तो आगे चल के दूध में भी मेरे को डिस्काउंट ही करती रहेगी। और हमारे यहाँ पे किसान भाई जो है वो जब ड्राई पीरियड चलता है, जब पशु को फीड खिलाना बंद कर देता है और सोचता है कि जब वो मिल्किंग पे आएगी जब दूध देंगे, इसके कारण से वो बच्चे का जो ग्रोथ है वो 7वें 8वें 9वें महीने में सबसे ज्यादा होता है, मतलब 70% बच्चे का वेट इन्हीं 3 महीनों में गेन होता है। अच्छा, इन 3 महीने में जो बच्चे का बॉडी वेट गेन हो रहा है, एंड ऑफ द डे समझो दूध मेरे और आपके लिए नहीं है, ये दूध है गाय के अपने बच्चे के लिए। बिल्कुल सही। तो हमारा टारगेट होता है कि गाय के बच्चे का बॉडी वेट बढ़ाओ, तो जैसे बच्चे का बॉडी वेट बढ़ेगा तो एंड ऑफ द डे आपका दूध प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, क्योंकि उसका बच्चा बड़ा है तो गाय की बॉडी समझती है कि मुझे बड़े बच्चे के लिए ज्यादा दूध पैदा करना है। तो सर ट्रांजिशन फीड में कुछ आपका कुछ फॉर्मूला, जो कुछ ऐसा नॉर्मल डाइट बता सकते हैं कि जिससे किसान भाइयों को फ्यूचर में, ऐसा कोई डाइट का कोई प्रीपेड रेडी नहीं है, मैं तो साइलेज खिला रहा हूँ, स्ट्रॉ खिला रहा हूँ, मक्का खिला रहा हूँ, कॉटन सीड खिला रहा हूँ, फिर पीनट की खली खिला रहा हूँ और सोयाबीन डीओसी खिला रहा हूँ। अच्छा, इतनी चीजें मैं अपनी डाइट में डाल रहा हूँ। तो ये काल्विंग के टाइम पे भी यही रहती है सर, चेंज हो जाती है? नहीं, काल्विंग के टाइम पे भी ये रहती है, बच्चा देने के बाद फिर वो पीछे वाले ग्रुप में आती है, हाई मिड लैक्टेशन में आती है, तो वहाँ के उसने 4-4.5 किलो तो की फीडिंग जो है वो चेंज होती है या सेम चेंज हो जाती है? उसके अंदर 4-4.5 किलो की डाइट है पूरे दिन की, यहाँ आते ही 6-6.5 किलो की डाइट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे उसको एक बार 25 किलो दूध पकड़ना होता है, ये 7-8 दिन में पकड़ लेती है, उसके बाद हम लोग उसे यहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको 8.5-9 किलो फीड मिलता है। तो वुमेन को एकदम से फीड का ओवरलोड नहीं कर सकते, तो पहले 4.5 से 6.5 पे लाए, फिर 4.5 से 6.5 से 8.5 किलो पे। अच्छा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल ट्रांजिशन करते हैं तो गाय भी इजीली एडजस्ट हो पाए। और एक अपन सर माने जैसे 50 लीटर के आसपास का एक आपके पास एनिमल है, तो उसको कितना केजी कंसंट्रेट फीड जाता होगा? 10 किलो से ऊपर मैंने आज तक कभी फीड नहीं दिया। 10 केजी पर डे, पर डे मैक्स, मतलब 60 किलो का एनिमल था तब उसने 10 किलो फीड खाया। देख सकते हैं सभी किसान भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने अभी बोला कि 10 केजी मैक्सिमम फीड जो है वो कंसंट्रेट फीड जो रहती है वो देते हैं, और उसी 10 किलो के अंदर ये 40 लीटर 50 लीटर और 60 लीटर तक का एनिमल जो है वो पूरा दूध जो है वो आउटपुट निकाल देता है। तो सर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बस और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12-12 केजी भी फीड पर डे की दे रहे हैं और उनका पशु देता 20 लीटर दूध। फीड ऐसी चीज है कि आप रेडीमेड फीड लेते हो, आपको नहीं पता अंदर क्या आ रहा है, कैसी चीज है। मैं तो अपना फीड खुद बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरी गाय है, बाजू वाले की नहीं।
तो मुझे अपनी गाय से बेहतरीन दूध निकालना है तो फिर मैं उसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन डालूंगा। जैसे प्रोटीन अच्छा क्वालिटी किसे कहूंगा, तो अगर आप सोया DOC ले लें तो सोया DOC एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि 44% उसमें प्रोटीन होता है, जिसमें से गाय को मिलने वाला 83%। अच्छा, जैसे ही मैं रेपसीड की ओर चला गया या तो मैं मछली या पीनट की ओर चला गया, प्रोटीन की अवेलेबिलिटी एनिमल को कम होता है। सो देयरफॉर मुझे हाई क्वालिटी प्रोटीन चाहिए तो मैं कम खिला के भी दूध निकाल सकूँ। तो ऐसा है कि सोयाबीन का कॉस्ट 45 रुपीज़ है तो महंगा हो गया, वो 30 रुपये का मिल रहा है, बट वो 30 रुपये का 2 किलो खिलाऊंगा तब जाके काम हो रहा है, जो है 45 रुपये किलो में ही कर पा रहा है। तो फिर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल सही बात। तो राइस ब्रान है या ऐसी बहुत चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जिनकी एंटी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, सबसे न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं है उसमें, तो भी वो खिलाया जाता है क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। तो मुझे सस्ते से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कम खिलाऊंगा ज़्यादा दूध निकालूंगा, क्वालिटी दूंगा। तो सर इसके अंदर कंसंट्रेट के अलावा और क्या क्या चीज़ जाती है? साइलेज जा रहा है, उसके अलावा कितना केजी ऑलमोस्ट जाता है? ये खा रही है 29.5 किलो साइलेज पर डे। ये जो आपने अभी बताई ये वाली काओ, ये इधर जितनी भी है सारी, इधर जितनी है सारी, कितने एक ग्रुप है, कितना जा रहा है इनका? 29.5 किलो साइलेज खा रही है। 29.5 किलो पर डे, 29 किलो साइलेज पर डे, 3 किलो इनको अपना वीट स्ट्रॉ जा रहा है गेहूं का सूखा, और इनको अभी 9 किलो बांटा जा रहा है, 3 किलो सूखा भूसा जाता है पर डे का। तो देख सकते हैं किसान भाई, ओनली 3 kg जो रहता है सूखा भूसा, 30 किलो के आसपास जो है वो पर डे का साइलेज जाता है, और 10 kg के आसपास जो है कंसंट्रेट फीड जाती है, और उसके अंदर ये जो पशु हैं वो आपको 40 लीटर अबव मिल्किंग जो है वो आउटपुट दे देती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ब्रीड, ये देख सकते हैं आप सर के पास जो भी ब्रीड है वो सारी की सारी जो ब्रीड है वो सर ऑलमोस्ट मतलब सारी यहाँ पे मैं मानूँ कि 25 से 30 लीटर के ऊपर की सारे पशु। 25 तो खत्म हो गया फिगर। अच्छा, अभी क्या अपन मिनिमम चल रहे हैं 30 के ऊपर ही है। तो देख सकते हैं 30 के ऊपर ही है सारे के सारे पशु जो भी हैं, और इनको आप देख सकते हैं ये कोई अलग से गाय नहीं बनी है, जैसी गाय दिखती है वैसी ही है। मेन खेल है इसका ब्रीड का, इनका जो अंदर सीमन डला हुआ है उसका, और उसके बाद ये जो आउटपुट देगी उससे आपको 110% जो है वो बेनिफिट होना है। सर अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इनका जो दूध निकलता है उसका क्या करते हैं आप, मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं बाय प्रोडक्ट, या फिर आप रिटेल करते हैं या होलसेल जाता है? रिटेल करते हैं। क्या रुपए रेट में जा रहा है सर अपना? रिटेल अभी हमारा जा रहा है 75 रुपीज़ में। 75 रुपीज़ पर लीटर। देख सकते हैं किसान भाई, जो डेयरी फार्म सक्सेस करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है सर? तो ये आपका पहले दिन से तो रिटेल हुआ नहीं होगा, तो उसके लिए क्या किया आपने? जो रिटेल के लिए भी बहुत मेहनत की है, मतलब धीरे धीरे कस्टमर्स को समझाया है क्या स्टोरी है, कैसे अच्छा दूध मिल रहा है, कैसा फीड हम लोग खिला रहे हैं। देयरफॉर एंड ऑफ द डे मिल्क दूध से, दूध जो है वो फीड से ही बन रहा है। तो हम लोग हमेशा सबको फीड टू मिल्क का इक्वेशन समझाते रहे कि हम अच्छा क्वालिटी करें, देयरफॉर आपको दूध अच्छा मिलेगा। हम लोगों के पास दूध में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे आते हैं, मोर देन 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे दूध में प्रेजेंट है, बिकॉज हम उनको उस क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर भी खिला रहे हैं। मिनरल मिक्सचर हम खुद से बनवाते हैं अलग अलग कंपनियों से अपना, वही इनको दे रहे हैं, सो देट इनकी पूर्ति हो जाए तब ये जाके सब चीज़ें दूध में आए। सो इनका दूध पीना भी उतना ही पौष्टिक है। दूध है ठीक है 75 में बेच रहे, फ्रंट एंड की कॉस्ट पूरी अलग है। लोगों को लगता है 75 में इसलिए फार्म प्रॉफिट में ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मोर देन इसमें भी 50% कॉस्ट तो वहीं जा रही है, फ्रंट एंड में मार्केटिंग में जाती है। डिलीवरी बॉयज़ को भी सुबह सुबह जाना होता है, 4 बजे 5 बजे निकलते हैं, दूध डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर पे, ग्लास बॉटल में जाता है तो बॉटल देनी है, वापस करनी है, बॉटल्स टूटती है, सारे लॉजिस्टिक भी लगते हैं। तो फार्म गेट पे जो प्राइस मुझे मिलती है वो केवल 40 रुपीज़ मिल रही है फार्म गेट पे। अच्छा। तो मुझे 40 के अंदर ये पूरा हर्ड बैलेंस करना होता है, इंक्लूडिंग मेरी जो हीफर्स यंग स्टॉक सब कुछ इसके अंदर आए, इसमें सारी आ जाएगी सारी। मतलब माना जाए 50% आप प्रॉफिट इसमें मार्जिन निकाल लेते हैं। 50% वो तो मार्केटिंग का अलग ही है पूरा, और ये अलग है। तो बैकएंड में मेरे को 40 रुपये मिल रहा है, मेरा मार्जिन मुश्किल से 1 या 2 रुपये ही। अच्छा, बट ये 2 रुपये भी इसलिए क्योंकि मेरे पास अच्छी ब्रीड अब रेडी हो चुकी है, बट मैं और ब्रीड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी हीफर्स और यंग स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इतना होना नहीं चाहिए। बट सिंस मुझे भी इन सब गायों को और आगे रिप्लेस करना है, मुझे और जल्दी आगे फार्म बढ़ाना है, इसलिए मैं और हीफर्स रेयर कर रहा हूँ, इसलिए भी मेरी रेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। देख सकते हैं किसान भाई, काफ़ी शानदार जो सर की होप कि आप सभी को समझ में आए जो भी चीज़ें सर बता रहे हैं, क्योंकि मैं इतने डीप में तो नहीं पूछ सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आप सभी किसान भाइयों को जानकारी अवेलेबल हो। सर इतने सारे पशु जो हैं अपने, इनके अंदर डिजीज़ भी आती होगी, तो उसके लिए कैसे आप मैनेज करते हैं उसको? सबसे पहले तो हम लोग प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। FMDHS BQ का वैक्सीन यहाँ साल में एक बार होता है, FMD का वैक्सीन का एडिशनल 2 बार होता है, यहाँ सारे एनिमल्स को थायलेरिया का वैक्सीन भी लग चुका हुआ है। और दूसरा, जब पशु पहले स्टेज में बीमार हो रहा है हम लोग तब पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसके लिए चाहिए अगेन डेटा। तो जैसे ही मिल्किंग खत्म होता है तो कौन से पशु ने कल कितना दूध दिया, आज उससे 10% से ज़्यादा वेरिएशन है तो हम उस एनिमल को तुरंत चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिक में वहीं पकड़ में आ जाए तो अच्छा है, कि ना कि पशु एकदम बीमार हो जाए तब पकड़े। दूसरा, जब फीडिंग टाइम है तो हम लोग यहाँ घूमते रहते हैं, किसी भी पशु ने कम खाया जाके पीछे बैठ गया तो समझ आते हैं इसको गड़बड़ है, तो उसको उसी वक्त चेक कर लिया जाता है। तो मतलब कम शॉर्ट बहुत पहले के स्टेज में पकड़ लिया जाए, ना कि उसे एडवांस हो जाने दिया जाए।
तो इसके लिए कोई डॉक्टर रख रखा है या फिर अपना? नहीं, हमारे वेट भी है और एलएसए भी है, दोनों है। अच्छा, वेट यहाँ पे हमारे कंसल्टिंग में है तो आते जाते रहते हैं, और इन हाउस हमारे एलएसए तो है ही है जो 24 घंटे फार्म पे ही रहते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं किसान भाई। सर कौन सी ऐसी बीमारी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहाँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं, एफएमडी वगैरह या फिर कभी आई है वो? यहाँ आज तक नहीं आया। अब जैसे बाहर अपन, जैसे सर आपका मैं देख रहा हूँ फार्म, ये पीछे जो गायें खड़ी, इसके पीछे जो कच्चा जो हिस्सा है, इसके अंदर क्या ये सर गोबर है क्या है? ये कंपोस्ट खाद है। नहीं, ये कंपोस्ट खाद बन चुका है। अच्छा। इसको हमने शुरू किया था, ओरिजिनली सोयाबीन का भूसा डाला था। अच्छा। सोयाबीन का भूसा डालने के बाद उसके ऊपर गाय छोड़ दी थी। अच्छा। तो गाय ये खाती, सोयाबीन के भूसे के ऊपर चलती गई और डेली इस समय से रोटावेट कर देते हैं। रोटावेट डेली रोटावेशन करते हैं, इसके लिए बन गया कंपोस्ट खाद। दिया तो सर इसके अंदर तो मतलब गीला है जैसे ये? ये अभी इस सीजन में हाईएस्ट गीला है, इतनी बारिश में इतना गीला है हमारा, इससे ज्यादा गीला हमारे यहाँ नहीं होता। बाकी के सीजन एकदम सूखा होता है। तो इतना गीले में भी सर जैसे कोई गाय, जैसे अभी मैंने देखा मिल्किंग से आई इधर, तो उनके टीट से जो है वो खुले होंगे? हाँ, तो उसके लिए तो हम टीट डिप का पोस्ट डिप केमिकल यूज कर रहे हैं। अच्छा, वो भी यूज कर, क्लोरेक्सिडिन बेस्ड हम लोग टीट डिप यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम अभी नहीं है फार्म पे। अभी नहीं है? अभी नहीं, इस सीजन में तो नहीं। मेस्टाइटिस नहीं आए उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? मिल्किंग प्रोसीजर, जैसे पहले तो गाय को स्टिम्यूलेट सही से करना चाहिए, मतलब गाय जब आई तो पहले टीट को चेक करना है, तो हम लोग काले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। सो पहले दूध की धारे काले कपड़े के ऊपर निकालते हैं, अगर वहाँ कुछ भी दूध ऊपर जमा हुआ है, हल्की सी फ्लेक्स दिख जाती है, तो उसी वक्त उसका सबक्लिनिकल मेस्टाइटिस पकड़ के ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। फिर हम लोग उस गाय को थन छूने के 45 सेकंड तक हम लोग क्लस्टर नहीं लगाते, मशीन नहीं लगाते। 45 सेकंड के बाद मशीन लगती है और देखते रहते, अगर मशीन में दूध आना खत्म हो गया तो तुरंत डिटैच हो जाना चाहिए मशीन। अच्छा, एक्सेसिव मिल्किंग नहीं होनी चाहिए, वरना टीट सिस्टम खुले रहेंगे। तो जब आती है गाय तो ये स्ट्रिपिंग करने से पहले हम प्रीडिप भी यूज़ करते हैं, तो प्रीडिप लगा देते हैं फोमिंग वाला, तो उससे पूरा टीट साफ हो गया। उसके बाद टीट को साफ करते हैं, फिर हम लोग टीट को छू के फोड़ते हैं। फिर अगली बार जब नेक्स्ट मिल्किंग पूरा खत्म हो गया, फिर हम लोग पोस्ट डिप कर देते हैं। पोस्ट डिप करने के बाद गाय छोड़ देते हैं। तो वो क्या मतलब क्या लिक्विड रहता है जिससे? अभी क्लोरेक्सिडिन बेस्ड हमारे पास पोस्ट डिप है, प्रोडक्ट का नाम है कैनोमिंट करके। कैनोमिंट यूज कर रहे हैं। मतलब क्या रुपये लीटर पड़ता है कुछ इसका? 400 रुपीज़ के आसपास है पर लीटर रेट उसका, 4000 रुपए का 10 लीटर। इम्पोर्टेंट सर ये कि जैसे चार, बहुत सारे लोग सोचेंगे यार 400 रुपए लीटर का है, क्या करेंगे इतना महंगा इसका कुछ? महंगा तो बहुत है, क्योंकि देखो 10 लीटर आता है 4000 रुपए का, बस महीना चल जाता है, बट सामने अगर एक गाय मेस्टाइटिस में आ गई तो वो बहुत सस्ता पड़ता है। 4000 एक ही बार में पूरा? बहुत सस्ता पड़ता है, 1500 रुपए की एंटीबायोटिक जाएगी, उतने दिन का दूध का लॉस, तो 4000 रुपए से तो कम ही पड़ेगा भले एक ही गाय को हो जाए। इसमें 4000 रुपए में मेरी तकरीबन 30 मिल्किंग गाय सेटिस्फाई हो रही है महीने में। तो वो अपने को इक्वेशन सेट करना है कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। ये सारी चीज़ें जो भी किसान भाई, ये मैं यूँ नहीं बोलता हूँ कि हर किसान भाई के लिए, लेकिन जो ब्रीड पे काम करना चाहते हैं और अच्छा भविष्य डेयरी फार्मिंग के अंदर बनाना चाहते हैं, उनके लिए है कि ये सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी। सर इनके गले में जो दिखाई दे रहा है सेंसर, कुछ क्या क्या चीज़ है सर ये? ये रूमिनेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे कि गाय ने कितनी जुगाली की, कब इसने खाना खाया, कितना चली है दिन में, वो पूरा डेटा मॉनिटर होता रहता है हमारे पास सिस्टम में आता रहता है। अच्छा। हर 5 मिनट में डेटा रिफ्रेश होता है। अच्छा। यहाँ तक कि गर्मी की सीजन में अगर जब गाय सांस लेना तेज कर देती है, तभी भी हमें इंटीमेशन आ जाती है कि इस ग्रुप की गाय ज्यादा देर दूर से सांसें ले रही है, तो हम लोगों को नहलाने ले जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं इस मौसम में पंखे शुरू है, तो पंखे इसीलिए शुरू है कि इनको गर्मी लग सकती है। अच्छा, तो ये कितने का पड़ता है सर वैसे? क्या चीज़ सर ये इनका जो गले में अपन ने ये बैंड हमने लिया था, तब तो बहुत महंगे थे, 10,000 का एक था। अच्छा, 10,000 रुपए का प्राइस तो पता नहीं है, बट हमने लिया था 6 साल पहले तब। सर इसका है फायदे आपने जैसे यूज करा? हम लोगों को तो बहुत हैप्पी सेटिस्फाइड है। इवन हीट पे आती है गाय तो हमें प्रिसाइज टाइमिंग ही बता दिया जाता है कि आप इतने घंटे पे आई करो तो आपका सक्सेस होता है। तो कंसेप्शन रेट 100% आया उससे या कितना? 100% तो देखो किसी का भी आता नहीं है, मेरा भी आया नहीं है 100%। मेरा गाय में कंसेप्शन रेट 50-55% रहता है, 50%। और हीफरों में तकरीबन 80% प्लस रहता है। हीफर में तो 90% तक हमारी अच्छी सीजन में रहता है, गर्मियों में 80% पे ड्रॉप होता है। अच्छा, हीफरों में हम सेक्स यूज करते हैं और गाय में कन्वेंशन यूज करते हैं। अच्छा, 50-55 ही हमारे एवरेज। तो हीफर से सर अपने यहाँ पे जो तैयार हुई हुई है देखना चाहेंगे एक बार हम, और इसको मैं कोशिश करूँगा सेकेंड पार्ट में करूँ हीपर्स का, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा ये, तो सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा सेकंड पार्ट में।